गए आप लोग। सो दोस्तों आ ही गए तो स्वागत है आपका निकेत रघुवंशी के एक और फ्रेश वीडियो में। सो दोस्तों आज मैं चलता हूँ आपको कोयला नगरी धनबाद लेकर, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध जगह है, जहाँ कोयला का ना जाने कितने सारे खदान हैं, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। और धनबाद शहर उसी के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, जिसको कोयला की राजधानी कहा जाता है, कोयला नगरी कहा जाता है। सो आज लेके चलते हैं आपको हम कोयला नगरी धनबाद में, जहाँ की जो विशेषता है मैं वहाँ चल के एक्सप्लोर करूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर धनबाद में। पिक्चर्स दोस्तों, अगर छोटा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों हम यूट्यूबर लाइक्स एंड कमेंट्स के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, सो प्लीज़ हमारी भूख को मिटा देना। फिर मिलते हैं आपको धनबाद में, तब तक के लिए। धनबाद मौर्या से अभी मैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पे हूँ। एंड दोस्तों चलते हैं धनबाद में, देखते हैं धनबाद शहर कैसा है, धनबाद शहर को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं वहाँ के। धनबाद जंक्शन से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर पे एक जगह है जो कि डिगवाडी के नाम से है। दोस्तों यहाँ दो कंपनियाँ हैं जो कि कोयला का उत्पादन करती है, कोयला निकालती है, एक है BCCL और एक है टाटा कंपनी। दोस्तों ये जो आप जितनी क्वार्टर्स देख रही हैं ये सब टाटा कंपनी की हैं, जो डिगवाडी में है। जो टाटा कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको टाटा कंपनी ये क्वार्टर्स अलॉट करती हैं और सारी फैसिलिटी देती हैं। आप ये जितने सारे क्वार्टर्स देख रहे हैं सब टाटा कंपनी की हैं। BCCL भी अपना क्वार्टर्स देती है, वो क्वार्टर मैं आपको दिखाऊँगा आगे। दोस्तों आप ये जो भी क्वार्टर्स देख रहे हैं सब ये टाटा कंपनी की क्वार्टर्स है, जो कि बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह लगता है और सबका थीम एक ही है, एक ही जैसा सारा क्वार्टर्स लगेगा। जो उनके कोलफील्ड में काम करते हैं उन सबको ये प्रोवाइड कराई जाती है। एंड ये टाटा का ये कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें कि आप टाटा के जितने भी एम्प्लॉई होते हैं वो इसमें अपना फंक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों ये टाटा कंपनी की 6 खदान में से एक खदान ये भी है जो कि डिगवाडी में है। सो दोस्तों अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, सो सॉरी मैं अंदर तो नहीं जा सकता, बट बाहर से ही मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये टाटा कंपनी की खदान है जो कि डिगवाडी में है। दोस्तों आज चलते हैं हम लोग कोयला का खदान देखने, एंड जो पॉसिबल है वो मैं आपको दिखाऊँगा। सो दोस्तों बने रहिए निकेत रघुवंशी के चैनल। वेलकम टू धनबाद दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं कोयला का खदान, देख सकते हैं आप। We'll be right back.
दोस्तों ये है कोयला का ओपन कोल माइंस, ओपन खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये खदान कैसा है, जो कि बहुत ही गहरा है। आइए देख। इसमें सीधा नीचे जाइए, कोयला काट लीजिए। उस कोयला है ना, व्हाइट वाला कोयला नहीं, ब्लैक वाला ना। हाँ, नीचे से खनते खनते पानी आ गया ना? नहीं नहीं आया, बरसात वाला जमा। अच्छा, ये खोद देगा? हाँ, बराबर कर देगा, ऐसे गोल गोल करते 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 बराबर कर देगा, पूरा बड़ा भर जाएगा, पूरा खाली कर देगा नीचे। अच्छा, ओपन माइंड से कहाँ तक आ रहा, दिख रहा वहाँ तक जाएगा, गड्ढा तक नहीं दिख रहा, रास्ता बना हुआ नीचे तक आएगा इधर। ये कोयला का वो खदान है, ओपन खदान है जहाँ से कोयला निकलती है। आप देख सकते हैं वो सब कैसे कोयला निकाल रहे हैं। फिर निकल भी जाता है? निकलता ही, वही निकलता है कोयला, ऊपर नीचे से ऊपर लाना उसी का। अच्छा, बाद में हाई वाव पे ऊपर नीचे से वही निकलता है। गड्ढा है, चक्कर भी देख रहे हैं, आप अभी देखें कोयला का ओपन खदान है, जो कि आप देख रहे हैं ये ओपन खदान है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लोर किया वहाँ पर। तो दोस्तों वेलकम टू धनबाद, ये हमारा धनबाद जहाँ आपने कोयला का खदान देखा, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है धनबाद। स्वागत है आपका अनिकेत रघुवंशी के वीडियो में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा धनबाद का ब्लॉग, जहाँ का कोयलरी आपको जो भी मैंने दिखाया तो सब कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को शेयर करना। एंड दोस्तों ये था धनबाद, अब मैं धनबाद से लौट रहा हूँ। अभी मेरा मौर्या है रात को 10 बजे, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको धनबाद से मुजफ्फरपुर जाने के लिए, बिहार जाने के लिए। एक मौर्या है, गंगा दामोदर है, दो ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बाकी फिर मिलते हैं अपने शहर पे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू।